दहेज के लोभियों ने कर दी विवाहिता की हत्या। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रामगुलाम टोला पूर्वी वार्ड में पुष्पांजलि मिश्रा 24 वर्ष लगाई फांसी, मौके पर हुई मौत। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही एडिशनल एसपी शिष्यपाल ने बताया कि पुष्पांजलि तरियासुजान थाना मैरवा जिला कुशीनगर की रहने वाली थी, जिसकी शादी देवरिया जनपद के सदर कोतवाली के रामगुलाम टोला पूर्वी वार्ड निवासी अजय मिश्रा के साथ हुई थी, जिसकी संदिग्ध हालात में मौत हुई। परिवार वालों का कहना है कि वह फांसी लगाई थी, लेकिन पुष्पांजलि का शव जमीन पर पड़ा मिला, गले में दुपट्टा लिपटा था। यह हत्या ही प्रतीत हो रहा है। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुष्पांजलि के पिता का कहना है कि हमारी बेटी की शादी का अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। शादी में दहेज के रूप में 5 लाख रुपया, नकद, एक बाइक और दान का सारा सामान अजय मिश्रा को दिया था। जब हमारी लड़की पुष्पांजलि उनके घर गई तो 5 दिन बीत जाने के बाद पुष्पांजलि के पति अजय मिश्रा ने कार की डिमांड की, लेकिन पुष्पांजलि कार की बात हमसे कहने से इनकार कर दी, और तब से पुष्पांजलि को अजय और उनकी बहन पूनम ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आज सभी लोग मिलकर उसकी हत्या भी दिए। लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर लगाया है हत्या का आरोप। देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट। ये कब से ये प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग? जब शादी हुए उसके पांच दिन बहू आई थी, रोज प्रताड़ित करते रहे, रोज प्रताड़ित करते रहे। इसको मैं 5 लाख कैश, एक सुपर स्प्लेंडर, इलेक्ट्रिकल पूरा सामान, उसके बाद फर्नीचर पूरा सामान, उसके बाद ये लगा मांगने कार मांगने। हमारे बेटी को एक दिन चेंज कर, इसकी एक ननद है वो और परेशान की उसको। क्या नाम है उसका? उसका नाम है पूनम दुबे जी। उसका अजय दुबे, सब लोग हत्या करने के लिए साजिश में थे। आज इसको कई दिन से इसकी दशा देख, लड़की को देख लीजिए, ना खाना दिए ना कुछ दिया, खाना देते थे जिसको अंत में हत्या कर ही दिए। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने हैं तरियासुजान थाना के जितेंद्र पांडे, जिला कुशीनगर के। किनके साथ शादी हुई थी? अजय मिश्रा के साथ जी। तो कब से प्रताड़ित करते हैं? ये प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। लड़की आई उसके 5 दिन बाद से ही कार के लिए। कितने तारीख को शादी हुई थी, किस 29/5/2019 को? अभी साल भी नहीं पूरा, एक कार्ड है, एक कार्ड है। तरियासुजान से हो रही? हाँ। चेहरा महिला है, यहाँ पिडरा गांव थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर सूचना मिली है कि एक वर्ष पूर्व इस महिला की शादी हुई थी, और पिछले कुछ दिन पहले इनका पति पत्नी का कुछ विवाद भी था। तो आज इस महिला की हत्या की सूचना मिली है। लोगों ने घटनास्थल देखा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SDM साहब के संरक्षण में या उनके द्वारा पंचायतनामा भरा करके भेजा जा रहा है, और जो महिला है उसके मायके वालों को सूचना हो गई है, और जैसा भी वो लोग चाहेंगे कार्रवाई की जाएगी। और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ झगड़ा हुआ है, और उसी दौरान या तो उसने मतलब आत्महत्या की है, या इन लोगों ने उसे जान से जो है मार करके फिर डेड बॉडी को लटका दिया है। सही बात जो है पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी स्थिति होगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।